नमस्कार, केपी न्यूज के स्वतंत्रता दिवस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद। केपी न्यूज 24/7 की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की आजादी के लिए कई बलिदान दिए गए हैं, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। हज 2025 के लिए एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया अंजुमन खादिम उल हुज्जाज कार्यालय में शुरू की गई। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कर्नाटक 2023-24 के दौरान 54,427 करोड़ रुपए के एफडीआई के साथ देश में तीसरे स्थान पर सीएम सिद्धरामैया ने पहुंचा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश साझा किया है। डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान ने अपने संदेश में कहा है कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपनी विरासत का जश्न मनाएं और आशाओं और समृद्धि से भरे भविष्य की दिशा में काम करें। ना पूछो कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे देश की आजादी के लिए कई लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान है, जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और हमें आज उन्हें याद करना होगा, वन जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। वह गुरुवार को जिला प्रशासन बीदर की ओर से जिला नेहरू स्टेडियम में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बात कर रहे थे। 1857 के सिपाही दंगे के कई संघर्ष थे। हमारे पिता महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, राजगुरु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य ने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आज क्रांतिवीर संगोली रायण्णा का जन्मदिन है, तो आइए हम उन्हें भी याद करें। बीदर जिले में भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी है। प्रभुराव कामलीवाले, आरवी बिद्दप्पा, भीमन्नप्पा माजगे, रंगनाथ राव, साया गावाकर, महादेवप्पा लोखंडे, कश्यप्पा खंडरे, मेरे पूज्य पिता शतयुषी भीमन्ना खंडरे आदि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। मैं इस अवसर पर उन सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां विविधता में एकता पाते हैं। हमारे देश में अशिक्षा और गरीबी सहित कई समस्याएं हैं। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान में गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति तक सभी को एक वोट डालने का समान अधिकार दिया है। कमजोरों और शोषितों के उत्थान के लिए योजना बनानी होगी। दुनिया को पहली संसद देने वाला बसपा कल्याण हमारे जिले में है। उन्होंने कहा है कि यहाँ कई धर्म, जातियाँ और नस्लें हैं और हम सब भाई भाई की तरह रह रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर जब देश 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, मैं बीदर जिले के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा करना चाहता हूं और भविष्य की योजनाओं पर एक विहंगम दृष्टि डालना चाहता हूं। मंत्री ने सरकार की जारी योजनाओं और उनकी सफलताओं के बारे में विस्तार से बताया और अन्य योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। इससे पहले मंत्री ईश्वर खंडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी स्वीकार की। इस मौके पर बीदर के सांसद सागर खंडरे, नगरसभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, बीदर जिला के विधायक डॉक्टर शैलेन्द्र बेलदाड़े, विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर पाटिल, एमजी मूडे, नगरसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीडी अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर गिरीश पेडोले, एसपी प्रदीप गुंटी सहित अन्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम पेश किए। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2025 के आवेदन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू की गई है, जो 9 सितंबर तक जारी रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने आज ऑनलाइन हज एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया शुरू की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक हज समिति के सदस्य एवं अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर अहमद खादरी ने की और अंजुमन द्वारा हज एप्लीकेशन भरने की सेवा के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में अंजुमन के उपाध्यक्ष मोहम्मद अयाजुल हक, महासचिव मोहम्मद गौस कुरेशी, डॉक्टर मसूद मोहम्मद शरीफ, सैयद नजीर खादरी, मोहम्मद इसहाक, सैयद आसिफ हुसैन, सैयद सदाउल्ला सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए, यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं NSUI के राज्य महासचिव मोहम्मद फेरोज खान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, बड़े संघर्ष और बलिदानों के बाद हासिल हुई है। इसका महत्व समझना चाहिए और हमें देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक 2023-24 के दौरान 54,427 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करके देश में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अलावा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुआयामी कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री यहां मानेकशॉ परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 42,915 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 22,600 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2023-24 के दौरान सिंगल विंडो कमेटियों के माध्यम से 591 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे 84,232 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 1,56,986 लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। उन्होंने कहा 2023-24 के दौरान हमारा राज्य 1,66,545 मिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य के साथ निर्यात में पहले स्थान पर, पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 5.20% है। 2025 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 के बारे में सिद्धरामैया ने कहा कि तैयारियां जोरों पर है और देश और दुनिया भर में रोड शो आयोजित करके निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने गुलबर्गा में सांसद डॉक्टर राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। इस मौके पर नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर नेता मोहम्मद फजल खान मारपल्ली और मोहम्मद खालिल आदि उपस्थित रहे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चिटगुप्पा तालुके में आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तहसील कार्यालय में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधायक डॉ. सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने संबोधन किया और जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर तालुका पंचायत ईओ लक्ष्मी बिरादर, टीएमसी सीओ हुसामुद्दीन, सीपीआई श्रीनिवास अलामपुरे, पीएसआई बासुमिया, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय हिरासकर, नगरसभा सदस्य और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। बीदर शहर के निजी, सरकारी और अनुदानित स्कूल और कॉलेजों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सभी स्कूलों और कॉलेजों में सुबह ध्वजारोहण किया गया और विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम पेश किए। बीदर शहर के मैलूर क्षेत्र में रहे अनुदानित उमर हाशमी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों ने कार्यक्रम पेश कर लोगों को आकर्षित किया। इस तरह निजी स्कूल मेरिडियन हाई स्कूल में भी ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति पर संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अग्रामी विचारकों के मंच द्वारा आज शहर के अम्बेडकर चौक से शोभायात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस शहर के अम्बेडकर चौक के समीप रहे आईबी में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष साईबन्ना जमादार, जिलाध्यक्ष दलीपा वर्मा, अमरेश अन्ना, कामना केरे, श्रीनिवास गीतेधरा, यशवंत राव सूर्यवंशी, घाड़ेप्पा एंथी, डीएस हड़ालगी, विजय कुमार मठपति, धनराज बेमलखेड़ा, चन्नवीरा, जटागुरु मठ, प्रकाश पटेदार उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज की कवरेज। कर्नाटक कलम कानून तिद्दुपड़ी होराट समिति संस्थापक जमादार अन्नवर साईबण्णा जमादार नेतृत्व में सुमार 13/8/2024 स्थल चिंचोली ನಮ್ಮ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 371 ಜೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ. ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಜಮಾದವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳವ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ. डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, ये ज्योति यात्रा किस लिए कर रहे हैं बोले तो हमारा जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन है, ये रीजन एजुकेशनली, फाइनेंशियली और एम्प्लॉयमेंटली पूरा कर्नाटक में सबसे पिछला हुआ विभाग है। ये विभाग का संपूर्ण जो है डेवलपमेंट के वास्ते 371 जे कलम 2013 में इम्प्लीमेंटेशन किया था, मगर अभी तक 10 साल हो गया, ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पुस्तक में रह गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया तो इस विभाग के सभी अनएम्प्लॉय लोगों को उद्योग मिलेगा और जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सभी को जो प्रमोशन में अन्याय हो रहा है वो प्रमोशन भी सही तरीके से मिलेगा। इसके लिए और हम कई एक मुद्दा लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पर्टिकुलरली 3000 करोड़ सेपरेटली बजट देना चाहिए और जो हमारे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, कारखाने हैं, ये सभी में हमारे लोगों को 80% का रिजर्वेशन देना चाहिए बोल के आज हम आग्रह कर रहे हैं। ये आग्रह करके पूरा हैदराबाद कर्नाटक के 7 जिले में जाके हम डिप्टी कमिश्नर के जरिए हम मुख्यमंत्री और गवर्नर ऑफ कर्नाटक को रिक्वेस्ट लेटर दे रहे हैं कि हमारा जो 371 जे कलम है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, हमारे जो सरकारी गवर्नमेंट नौकर है सभी को न्याय मिलना चाहिए बोल के आज हम आग्रह कर रहे हैं। बसव कल्याण में समृद्धि सहारा फाउंडेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज फाउंडेशन के अध्यक्ष मुजफ्फर शेख ने ध्वजारोहण करने के बाद स्कूल के विद्यार्थियों को राष्ट्रध्वज और हैंडबैग उपहार में वितरित किए। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल नरसिंह रेड्डी और अन्य उपस्थित रहे। बसव कल्याण से मुजफ्फर की रिपोर्ट।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की आजादी के लिए कई बलिदान दिए गए हैं, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। हज 2025 के लिए एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया अंजुमन खादिम हुज्जाज कार्यालय में शुरू की गई। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कर्नाटका 2023-24 के दौरान 54,427 करोड़ रुपए के एफडीआई के साथ देश में तीसरे स्थान पर सीएम सिद्धरामैया ने पहुंचा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।